Good morning, dear friends. Once again, welcome in the physics lecture. We were discussing about the Coulomb's law in vector form and the problems regarding to Coulomb's law. तो आज हम पूरा Coulomb's law के जो problem है वो सब हम solve करते हैं और थोड़ा explanation भी करते हैं. अब आज का problem नंबर 1 लेते हैं. कल के होमवर्क में भी मैंने दिया था. ओके, आज का प्रॉब्लम नंबर 1 फिर से एक टैकल कर लेते हैं जैसे आपको उसमें से उसको समझ में कैसे करने का. तो यहाँ पे देयर आर थ्री चार्जेस, सपोज 2 माइक्रो कूलम और -2 माइक्रो कूलम केप्ट एट द वर्टेसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी. ओके, ट्रायंगल हैज साइड 2 centimeters. Okay. Now you want to calculate first of all force at B. Suppose we want to calculate net force at B. F net at B. एक एक करके उसको समझ लें. अभी आप अपन को कैलकुलेट करना है नेट फोर्स एट बी. तो नेट फोर्स एट बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? तो पहले तो कूलम्स लॉ लिख के देंगे. कूलम्स लॉ क्या है? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. ये मैग्नीट्यूड है. क्या मैग्नीट्यूड है? बराबर. तो अभी यहाँ पे एफ नेट कितना है आपको लिख के देंगे. एफ नेट यहाँ पे बराबर. तो ये हो जाएगा एफ ऑन बी बाई ए प्लस एफ ऑन बी बाई सी. बराबर. बी को ए ने कितना फोर्स दिया है और बी को सी ने कितना फोर्स दिया. तो एफ ऑन बी ऑन ए, एफ ऑन बी बाई ए विल बी रिपल्सिव और एफ ऑन बी बाई सी विल बी अट्रैक्टिव. तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल लुक लाइक सपोज ये बी है तो B को ये रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ये ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा. ये आएगा F on B by A और ये इसको एक्टिव करेगा. ये आएगा आपका F on B by C. लेकिन आपने देखा होगा ये चार्जेस सेम है, उन्हें उनका चार्ज मतलब प्लस माइनस अलग है, ये डिस्टेंस भी सेम है. तो वी कैन हैव व्हाट वी हैव F on B by A magnitude which will be equal to F on B by C. Let this F. तो वो F को पहले कैलकुलेट करें. बराबर. तो यहाँ पे ये दोनों का एडिशन चलता है. बराबर. और इसके लिए वेक्टोरियल हम क्या कर सकते हैं? तो अगर ये 360 डिग्री है तो ऑफकोर्स ये आएगा 120 डिग्री. बराबर. तो ये आपका आएगा 120 डिग्री. तो यहाँ पे आप इस ट्रायंगल को अगर आपने कंप्लीट किया ऐसा ट्रायंगल बनी पैरेलल लॉ सॉरी तो यहाँ पर आप पैरेलल लॉ यूज कर सकते. यू कैन यूज हियर पैरेलल लॉ. तो ये आपका बन जाएगा एफ ऑन बी बाय ए, ये एफ ऑन बी बाय सी होता है. बराबर. तो अभी वेक्टर एडिशन कर दे, लेकिन उसके पहले एफ का मैग्नीट्यूड पता करना. तो एफ का मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हम क्या करेंगे? के इंटू 2 माइक्रो कूलम, 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻², ब्रैकेट्स में ये 2 सेंटीमीटर. के का वैल्यू आपको मालूम है, के का वैल्यू कितना है? के है 9 × 10⁻⁹. मल्टीप्लाई करते हैं 9 × 10⁻⁹, 2 × 4, −6 − 6 − 12, 2 × 4, ये 10⁻⁴. तो के कितना बना सकती है? एफ, एफ कितना हो गया बेटा? तो हमारा एफ बन गया 9 × 4, ये 4 कैंसिल हो गया, ये −4 ऊपर जाके +4, सो ये −8 हो गया. बराबर. −8 +9 और 10 मतलब 19 न्यूटन हो गए.
एफ का मैग्नीट्यूड है एम। सो वी कैन राइट द, हम क्या लिख सकते हैं कि फोर्स का, सो इट इम्प्लाइज एफ बी ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ बी सी इज इक्वल टू 90 न्यूटन। तो रिजल्टेंट एफ नेट कितना है इनका वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन मैग्नीट्यूड में लिखा होता है, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ एफ कॉस 120 कॉस 120। अगर इसका कैलकुलेशन के लिए बनेगा 2f² प्लस 2f² कॉस 120। अभी कॉस 120 का वैल्यू आपको मालूम है, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस पाई बाय 2 कॉस थीटा माइनस साइन पाई बाय 2 साइन। तो यहाँ पे कॉस पाई बाय 2 जीरो आ जाएगा, ये पूरा जीरो बन गया और ये बन गया माइनस साइन 90 पर साइन थीटा, साइन थीटा मतलब अभी 120 मानो क्या करेंगे 90 प्लस 30, तो यहाँ पे साइन 30 आएगा। 120 को मैंने स्प्लिट किया, साइन 30 कितना आ गया हाफ आ गया माइनस बाय 2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2f² प्लस 2f² इंटू माइनस बाय 2 ने काट, समझिए। तो ये कितना बन गया 2f² माइनस f², ये बन गया f², तो रूट ऑफ f² मतलब आएगा f। तो टोटल फोर्स भी आपका कितना आएगा 90 न्यूटन आएगा। सो टोटल फोर्स इन दिस केस विल बी 90 न्यूटन। आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। हो गया बेटा, अभी थोड़ा सा अलग टाइप का है। ओके, अभी इसमें अगर आपको सेंटर पे है, बीच में इधर उधर है, वो क्या करना है, तो उसके मुताबिक वो करना है। अभी एक इम्पॉर्टेंट टाइप का प्रॉब्लम आज लेते हैं, उस प्रॉब्लम में वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी कैप्ट, वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी कैप्ट सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इम्पॉर्टेंट टाइप क्या है क्वेश्चन का, टाइप क्यों टाइप, वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी कैप्ट, वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी कैप्ट सो दैट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी कैप्ट सो दैट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम को इक्विलिब्रियम लाने के लिए थर्ड चार्ज कहाँ प्लेस करना है वो अपन को फाइंड आउट करना है। ओके, केस वन, यदि केसेस के आपको दिखा देते हैं बाद में प्रॉब्लम भी उसके ऊपर सॉल्व करना इतना उसका कुछ प्रॉब्लम। तो केस वन, हाँ मेरा चार्ज है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस प्लस एंड प्लस, तो दो प्लस चार्ज है प्लस क्यू प्लस क्यू, और हमें एक प्लस क्यू चार्ज बाहर से बीच में लाना है, प्लस क्यू चार्ज बाहर से बीच में लाना है, तो पहले वो बाहर रखेंगे ये हम पता करें। तो अभी देखो ये प्लस है, ये प्लस है बराबर, तो ये प्लस इसको रिपेल करेगा मतलब ये यहाँ पे जाएगा बराबर। तो पहले बिफोर प्लेसिंग दिस चार्ज व्हाट इज द सिचुएशन दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो वो सिचुएशन क्या है, ये प्लस है ये इसको रिपेल करेगा मतलब ये फोर्स यहाँ पे आ गया, ये फोर्स यहाँ पे आ गया बराबर। अभी बीच में अगर प्लस डालूंगा, बीच में अगर प्लस डालूंगा तो क्या हो जाएगा,
रिपेल करो। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आने के चांसेस थोड़े से अंदर में कम हो जाते, कम अंदर ना के लिए। वही इसको मैंने एक बार में प्लेस किया, मतलब यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो ये इसको क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको भी रिपेल करेगा, बराबर। तो प्लस प्लस प्लस, नहीं तो माइनस माइनस माइनस, ये आएगा तो क्या करेंगे वो भी देखते, तो भी देखते। तो सपोज मैंने यहाँ पे या यहाँ पे किधर एक्स डिस्टेंस पे उसको प्लेस किया, बराबर। तो क्या आएगा यहाँ पे, सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम, बराबर। सो नेट फोर्स, नेट फोर्स जीरो हो जाना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, बराबर। तो अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए एट दैट पॉइंट, तो एट दिस पॉइंट नेट फोर्स जीरो निकालते हैं, बराबर। इसको वन बोलता हूँ, इसको टू बोलता हूँ, इसको थ्री बोलता हूँ, तो कितना है एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री मस्ट इक्वल टू जीरो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री जीरो निकालते हैं, तो एफ वन, ओके, एफ वन मतलब ऑन डिस्चार्ज, बाय डिस्चार्ज को आएगा के क्यू क्यू अपॉन आर प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर रिपल्शन, इस डिरेक्शन में आएगा, ये भी इसको इस डिरेक्शन में आएगा, एफ थ्री नहीं आएगा, ऑन दिस बाय दिस, ऑन दिस बाय दिस, तो एफ थ्री नहीं आएगा, सॉरी एफ वन प्लस एफ टू ही आएगा, इज इक्वल टू जीरो। ये क्या करेगा के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर जीरो, बराबर। तो ये क्या बन जाएगा, के क्यू क्यू कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो एक इसको इधर पे ले लेते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ये के क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया इज इक्वल टू माइनस आर प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, और आर प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस टू आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना आएगा माइनस टू आर एक्स, तो आर कितना हो जाएगा, आर में आर को काटा, आर कितना हो जाएगा माइनस टू एक्स, आर इज इक्वल टू माइनस टू एक्स, तो एक्स कितना हो जाएगा एक्स माइनस आर बाय टू, एक्स बन जाएगा माइनस आर बाय टू। ये क्यों करके दिखाया, माइनस का मतलब क्या, एक्स हो जाएगा माइनस आर बाय टू, आर बाय टू कितना है ए इतना है, उतना उसका वैल्यू बन जाएगा, और गेटिंग में पॉइंट समझ गए, ये प्लस प्लस चार आपको दिखाया। तो अभी इसमें क्या है, मतलब अभी हमने, अभी देखो प्लस प्लस बीच में डाला, तो प्लस इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन ऑलरेडी ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये इसको ज़्यादा रिपेल करेगा, बाहर डाला तो क्या हो जाएगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, लेकिन इसका फोर्स कम होगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस आ गया, माइनस आ गया, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भी सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में नहीं आ रहा है। तो जो पहले हम ले रहे थे, पहले हमने जो लिया था, जो हमारा एक्स था, ये आपने देखा है कैसे हमने किया, ये एक्चुअली आपको एग्जाम में नहीं करना है, आपको उनको खाली ट्रिक यूज़ करना है। तो अभी क्या, यहाँ पे लेने के बाद भी और यहाँ पे लेने के बाद भी नेट फोर्स जीरो नहीं आया, क्योंकि मेरा डिस्टेंस माइनस में आया, एक्चुअली डिस्टेंस यहाँ पे, मतलब वो डिस्टेंस नहीं है, माइनस में आया, मतलब उसको बीचों बीच ही डालना पड़ेगा। तो फिर से देखते हैं, अगर यहाँ पे लगा तो अभी मैंने क्या बोला, ये भी उसको रिपेल करेगा, ये भी उसको रिपेल करेगा, सो एफ नेट यहाँ पे एक्चुअली हमने लिया था, लेकिन वो जीरो नहीं आया, इसके चलते हमारा माइनस आया, इसलिए मैंने करके दिखाया आपको।
समझ गए प्रोसेस कैसे करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे भी नेट फोर्स जीरो नहीं है और यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि दोनों भी उसको रिपेल करेंगे क्योंकि सेम चार्ज से, तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि यह ऐसा है, एक्स डिस्टेंस भी इसको लेते हैं और यहाँ पे अगर आपने प्लस जीरो रखा तो अभी ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, दोनों भी सेम फोर्स से रिपेल करेंगे बराबर। अभी वो जीरो हो जाएगा, अभी कैसे आएगा, उस आंसर उतना ही आएगा, एफ वन प्लस एफ टू इज इक्वल टू जीरो। देखो ये रिपेल कर गया, इसका फोर्स यहाँ पे आ गया, इसका फोर्स यहाँ पे आ गया। अभी हमने क्या किया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया यहाँ से आर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर सेम हो जाएगा, ये माइनस साइन ऐसा हो जाएगा आर माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस टू आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए, तो अब ये एक्स स्क्वायर उधर गया नहीं तो एक्स स्क्वायर इधर आया, तो उसका सिंप्लीफाई कर सकते हैं, समझ गया। तो इसको बीच में रखना इम्पोर्टेंट, तो मतलब पहला वाला केस ये होगा आपका प्लस प्लस प्लस, मतलब अगर दो चार्ज प्लस है हाँ कहाँ रखेंगे वो अलग बात है, तो आपको बात भी समझेंगे चार्ज कितना है इसको देख के समझेगा। तो पहला प्लस और प्लस और अपना चार्ज भी प्लस, तो कहाँ पे रखेंगे इसको ऐसे, तो पहला क्या रहेगा अगर प्लस प्लस यहाँ पे प्लस कर दिया है तो नेट फोर्स विल नॉट बी जीरो बराबर, पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी रखा अगर नहीं यहाँ पे भी रखा तो एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर दो साइड को रखा है तो नेट फोर्स जीरो आने की गुंजाइश नहीं है, तो अगर आपको उसके लिए केस ऐसा करके लिखना है तो प्लस क्यू प्लस क्यू तो अपना चार्ज अगर प्लस है तो बीच में, वैसे माइनस क्यू और माइनस चार्ज है माइनस क्यू तो भी वो बीचों बीच में रखना चाहिए, क्योंकि आप ये बीच में माइनस आएगा तो ये इसको रिपेल करेगा ये इसको रिपेल करेगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम में आएगा। गेटिंग माय पॉइंट, अंडरस्टूड। किसी भी एक डायरेक्शन में नेट फोर्स नहीं आना चाहिए, यहाँ पे इधर उधर डिस्टेंस किया तो उनका मैग्नीट्यूड वगैरह बैलेंस हो के वो इक्वल हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट, तो प्लस प्लस और प्लस ज़्यादा माइनस माइनस और माइनस ज़्यादा तो बीचों बीच में। ओके तो इसका ओवरव्यू क्या आएगा, टू प्लस चार्जेस सो प्लस चार्ज टू प्लस चार्जेस थर्ड चार्ज और सो प्लस, तो उसका प्लेस कहाँ आएगा इन बिटवीन, प्लेस कहाँ आएगा इन बिटवीन टू चार्जेस। वैसे ही अगर टू माइनस चार्जेस तो थर्ड चार्ज ऑल्सो माइनस देन ऑल्सो द प्लेस विल बी इन बिटवीन टू चार्जेस। इसको नोट डाउन करके रखो केस वन में, तो केस वन में आपने क्या सीखा, टू सेम पोलैरिटी चार्जेस टू प्लस चार्जेस थर्ड चार्ज ऑल्सो प्लस, ओके इसको थर्ड चार्ज करते हैं तो उसका कहाँ आएगा पोजिशन इन बिटवीन टू माइनस चार्जेस अवर चार्ज इज ऑल्सो माइनस पोजिशन कहाँ आएगा इन बिटवीन, समझ गए। तो ये इम्पोर्टेंट है टू प्लस चार्जेस हाँ थर्ड चार्ज ऑल्सो प्लस प्लेस इन बिटवीन टू चार्जेस, वैसे ही टू माइनस चार्जेस ये पहले वाला माइनस के लिए सेम सेम फॉर माइनस चार्जेस, मतलब टू माइनस चार्जेस थर्ड चार्ज ऑल्सो माइनस सो प्लेस विल बी इन बिटवीन।
तो अगर कौन से भी दो चार्जेस है वो सेम पोलैरिटी के है और तीसरा भी सेम पोलैरिटी का आपको रखना है, सच दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो उसको बाहर देंगे बीचों बीच रखेंगे, बीचों बीच मतलब वो आपका आपके ऊपर डिसाइड करते हैं, बीच में रखने का, तो एक चार्ज से उसका डिस्टेंस एक्स देने का, ये पूरा डिस्टेंस है आर, तो दूसरा डिस्टेंस बन जाएगा आर माइनस एक्स, बराबर। ये भी आपको करके सपोज इसको मैंने लिया आर, इसको मैंने पूरा लिया आर और ये लिया एक्स, तो ये बन जाएगा आर माइनस एक्स, समझ गए, इसको ऐसा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि आप एग्जाम्पल में उसको देख सकते हैं, इसको हटा दे पूरा, इसको फिर से आते हैं नहीं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट क्या करने का है और कैसे करना है, टू प्लस और थर्ड ऑप्शन। अभी केस टू को जाओ, तो बेटा केस टू को ये प्रॉब्लम का ही बात है, ये अपने प्रॉब्लम का ही बात है, इसके ऊपर प्रॉब्लम यहाँ पे प्लस क्यू लिया, यहाँ पे भी प्लस क्यू लिया और मैंने चार्ज लिया माइनस, मैंने चार्ज लिया माइनस, तो अभी यहाँ पे रखा तो क्या होगा, ये भी उसको अटैक करेगा, ये भी उसको अटैक करेगा, नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा, वैसे यहाँ पे रखा तो ये भी उसको अटैक करेगा, ये भी उसको अटैक करेगा, तो नेट फोर्स जीरो नहीं बन जाएगा, माइनस चार्ज को भी बीच में रखना चाहिए ताकि ये इसको अटैक करेगा, ये भी इसको अटैक करेगा, बराबर। तो केस वन में ही हम उसको कर सकते हैं, बराबर बराबर। तो अगर ये दो चार्जेस सेम है, सेम मतलब सेम पोलैरिटी, प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ पे अगर माइनस किया तो यहाँ पे प्लस, तो टू पॉजिटिव चार्जेस थर्ड चार्ज निगेटिव, देन ऑल्सो लेस आएगा। ये केस वन केस टू एक्चुअली सेम ही है, तो आपने अगर सेम लिखा तो भी प्लेस अगेन इन बिटवीन टू चार्जेस, तो मतलब आपको समझा, अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं तो बाहर भी कौन सा भी चार्ज है, सेम फॉर निगेटिव चार्ज, तो अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं और अगर कौन सा भी चार्ज मिल जाए प्लस 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 माइनस, फिर भी उसका पोजीशन कहाँ है, बीच में, दो माइनस है, दो माइनस है, दो माइनस माइनस, ये भी माइनस माइनस माइनस, ये प्लस, अगर वो प्लस है या माइनस है, अगर ये दो सेम पोलैरिटी के चार्ज है तो पोजीशन कहाँ पे आएगा, इन बिटवीन, ये आपको ध्यान में रखना है। तो समरी, समरी क्या, सो आई एम बी इफ गिवन टू चार्जेस, ये लिख के लो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आर ऑफ सेम पोलैरिटी, इफ गिवन टू चार्जेस आर ऑफ सेम पोलैरिटी, देन थर्ड चार्ज इज ऑलवेज केप्ट इन बिटवीन द टू चार्जेस, अगर दो चार्ज आपके दिए हुए सेम पोलैरिटी के हैं, द टू गिवन चार्जेस आर ऑफ सेम पोलैरिटी, देन थर्ड चार्ज इज ऑलवेज केप्ट इन बिटवीन द टू चार्जेस टू गेट सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। आई विल सजेस्ट यू टू नोट डाउन दिस, केस वन केस टू को पढ़ लिया आपने, तो आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, अगर आपके दो चार्ज सेम पोलैरिटी के हैं, इन द टू चार्जेस आर ऑफ सेम पोलैरिटी, देन थर्ड चार्ज ऑलवेज गेट इन बिटवीन द टू चार्जेस
okay, independent of that polarity of that charge. Always get कहाँ in between the two charges. इसके ऊपर बहुत टाइम आपको कॉम्पिटेटिव उसमें क्वेश्चन आते हैं. आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन. बन गया बेटा, अभी इसके आगे जाते हैं. अभी हमने केस थ्री लिया, ओके, इसको मैं अभी एक प्लस एक माइनस देते हैं. एक प्लस एक माइनस, केस थ्री एक प्लस लिया और एक माइनस, और यहां से प्लस लाया. अभी बीच में अगर रख दिया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस इसको रिपेयर कर दिया, प्लस इसको रिपेयर कर दिया, माइनस इसको एक्ट कर देगा, तो नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा. अगर माइनस लिया उल्टा हो जाएगा, प्लस इसको एक्ट करेगा, माइनस इसको रिपेयर करेगा, तो बीच में अभी रखने का सवाल. तो कौन सा भी आइदर प्लस और माइनस, अगर चार्ज है, अगर प्लस है बराबर, तो ये एक बाहर एक डिस्टेंस पे बाहर और माइनस, अगर प्लस रखा तो ये उसको रिपेयर करेगा, ये उसको अटैक करेगा, माइनस रखा तो ये उसको रिपेयर करेगा, ये उसको अटैक करेगा, और डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन यू कैन गेट इट. ओके, सो टू चार्जेस ऑफ अपोजिट पोलैरिटी एंड थर्ड चार्ज ऑफ एनी पोलैरिटी, बराबर, थर्ड चार्ज ऑफ एनी पोलैरिटी, देन हम क्या लिख सकते हैं, देन प्लेस्ड, थर्ड चार्ज कहां पर प्लेस करेंगे, प्लेस ऑन द लाइन बट आउटसाइड, ऑन द लाइन आएगा लेकिन क्या आएगा, आउटसाइड आएगा, कहीं भी रख सकते हैं, यहां पर रख सकते हैं, यहां पर रख सकते हैं, तो ये केस थ्री बन. तो अभी मैं इन शॉर्ट आपको उसका रिवाइज करता हूँ. तो प्लस प्लस है और प्लस चार्ज लेना है बीचों बीच, बराबर, माइनस माइनस है प्लस लेना है तो भी बीचों बीच लेना, प्लस प्लस है माइनस है तो भी बीचों बीच आएगा, प्लस माइनस माइनस है और इधर भी माइनस है तो भी बीचों बीच आएगा. वन टू थ्री फोर, ऐसे इसको जोड़ के रखें, बराबर. अभी मैंने कैसे लिया आपको फिफ्थ वन, प्लस माइनस है और प्लस है तो बाहर है, प्लस माइनस है तो भी बाहर आएगा, माइनस प्लस है और प्लस है तो भी बाहर आएगा, माइनस प्लस है और माइनस है तो भी बाहर बाहर आएगा, अपोजिट पोलैरिटी. पाँच छः सात आठ, तो ये सब केस मतलब सिमिलर चार्जेस, थर्ड चार्ज एनी पोलैरिटी इन बिटवीन, अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस प्लस माइनस माइनस प्लस, एनी चार्ज आउटसाइड, ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, तो आज हम उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ओके, तो हम पहले अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, आफ्टर दैट आई विल गिव यू द होमवर्क, और यू मे ऑल्सो रेफर द मॉड्यूल इन ऑर्डर टू गेट द प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉब्लम्स. तो मॉड्यूल की प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हैं. मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है इसलिए मैं पहले मॉड्यूल के नहीं ले रहा हूँ, अपने अपने जो है वो आपके साथ डिस्कस. प्रॉब्लम वन, एक्चुअली वन ही टू है, यहाँ पे है प्लस टेन माइक्रो, यहाँ पे भी है प्लस टेन माइक्रो, और क्वेश्चन क्या है, और ये है वन सेंटीमीटर, वेयर शुड द थर्ड चार्ज
5 माइक्रो कूलम बी प्लेस्ड, वेयर शुड द थर्ड चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कूलम बी प्लेस्ड सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. तो यहां से क्या करना है आपको, 5 माइक्रो कूलम का चार्ज और प्लस 5 माइक्रो कूलम का चार्ज आपको डालना है. तो यहां पे मैंने प्लस 5 माइक्रो कूलम, तो अगर प्लस प्लस है इंडिपेंडेंट ऑफ दिस रीजन हमें बाहर रखना है, उसको बीच में रखना है. तो हम कैसे करेंगे, सो आवर डायग्राम सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, यहां पे बन गया अपना प्लस 10 माइक्रो कूलम, ये भी बन गया प्लस 10 माइक्रो कूलम, और मैंने रखा यहाँ पे प्लस 5 माइक्रो कूलम वहाँ पे रखा. डिस्टेंस कैसे करेंगे, ये टोटल कितना है, ये है 1 सेंटीमीटर, और ये अगर x पकड़ा तो ये 1 माइनस x हो जाएगा. ओके, फॉर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, अपन को मालूम है F A should be 0. हम क्या करेंगे, therefore F net क्या आएगा, F1 plus F2 will be 0. Okay. लेकिन F1 क्या करेगा, इसको repel करेगा, तो A ये आएगा और दूसरे को ये, तो इसको minus है. Okay. इस ये minus है, बराबर ना. तो यहाँ पे So, F1 will be equal to F2 आएगा, सिंपल. तो F1 कितना है, K 10 into 10 raised to minus 6, 5 into 10 raised to minus 6 upon x square equals K 10 into minus 6, 10 raised to minus 6, 5 into 10 raised to minus 6 upon 1 माइनस एक्स स्क्वायर. आपको मालूम है ये हर टाइम कैंसिल होता है, तो लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 1 माइनस 2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर को काटा, ये माइनस 2 एक्स उधर गया, एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2, एक्स पावर इज आएगा 1/2. तो अगर वो सिमिलर है तो x आएगा 1/2, मतलब इनके बीचों बीच उसको रखना चाहिए. ओके, तो ये आप प्रॉब्लम ले लो, तब तक ये लिख लो, तब तक मैं यहाँ पे आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ. होमवर्क, वेयर शुड द थर्ड चार्ज माइनस 2 माइक्रो कूलम बी प्लेस्ड सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. तो सिस्टम में ए बी सी डी आपको देते हैं, को एक एक करके आप उसको सॉल्व करो. ए देते हैं प्लस 8 माइक्रो कूलम, यहाँ पे देते हैं माइनस 8 माइक्रो, और आपका चार्ज कितना है 2 माइनस 2 माइक्रो. तो आप अपने डिसाइड करें प्लस 4 माइक्रो कूलम माइनस 6 माइक्रो कूलम, सी प्लस 10 माइक्रो कूलम माइनस 10 माइक्रो कूलम. ओके, तो ए बी सी आपने उसको सॉल्व, एबीसी आपको सॉल्व, समझ में ना. सो दैट वॉज द वर्क, दिस इज होमवर्क, सो यू हैव टू डू दैट. होमवर्क ज्यादा से ज्यादा करना है आपको. तो ये टाइप बन गया, वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज प्लेस्ड सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. ओके, अभी नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं. आई विल सजेस्ट टू नोट दिस डाउन. अभी दूसरा अगर केस दिया, ये होमवर्क
मेरे को देखना होगा तो मैं डाउट सेशन में वगैरह नहीं तो यू मे सेंड द स्नैप ऑफ द नंबर ओके नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसे पूछा है क्या पूछा है आपको यहां पे प्लस क्यू और माइनस क्यू और प्लस क्यू ओके दूसरा है ये ठीक से देख लो बेटा ये कोई इतना नहीं बोले ये प्लस है ये माइनस है और ये प्लस है तो तीनों भी पॉजिटिव तीनों भी सेम एक अलग नेचर तो वो क्या पूछेंगे व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्लेस्ड एट ओ सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट ओ so that system is in equilibrium तो यहां पे क्या करना है पहले O पे फोर्स दे तो यहां पे क्या हो जाएगा ये प्लस है मैग्नीट्यूड पूछ रहा है अगर मैंने यहां पे प्लस दिया सपोज प्लस दिया तो ये प्लस 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 तब ये इसको रिपेल करेगा ये इसको रिपेल करेगा और ये प्लस है ये इसको रिपेल करेगा बराबर ये कितना करेगा एफ ये भी एफ ये भी एफ क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है मीडियन को 2:1 डिवाइड तो ये क्या आएगा ये आएगा एफ कॉस 60 ये आएगा एफ कॉस 60 तो 2f cos 60 cos 60 कितना आता है हाफ सो इसके लिए कोई भी चार्ज चलिए तो अगर ये है तो इसका ध्यान में रखना है ये आपको ज्यादा आता नहीं है सिस्टम इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम ये मैंने आपको पढ़ा है तो ट्रायंगल ये ऐसा है तो सिस्टम क्या है ऑलरेडी इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे जीरो जीरो माइक्रोकूलम का चार्ज पड़ेगा क्योंकि कौन सा भी चार्ज अगर आपने उधर रखा कौन सा भी चार्ज आपने उधर रखा जीरो मतलब कौन सा भी चार्ज फर्क नहीं पड़ता है तो एनी चार्ज सो यहाँ पे आंसर आएगा एनी मैग्नीट्यूड का आंसर क्या आएगा एनी मैग्नीट्यूड कौन से भी मैग्नीट्यूड का चार्ज आपने रख दो क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता है प्लस है माइनस को तो उल्टा आएगा ये नीचे आएगा ये ऊपर बराबर तो इस केस में इसको मैं ठीक से लिख के देता हूँ आप लिखे अगर प्लस दिया और अगर माइनस दिया तो क्या हो जाएगा ओके तो बेटा अगर मैंने प्लस दिया अगर मैंने प्लस दिया यहाँ पे प्लस दिया तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस ये रिपेयर करेगा ये और ये तीनों भी रिपेयर करेगा तो यहाँ पे कितना आएगा दिख रहा है बेटा हाँ दिख रहा है तो ये 60 ये 60 ये ऐसा और अगर मैंने माइनस किया माइनस तो क्या हो जाएगा ये इसको एट्रैक्ट करेगा ये इसको एट्रैक्ट करेगा ये एट्रैक्ट करेगा तो फिर भी ये 60 आएगा ये भी 60 आएगा तो इनका इन दोनों का ऑलवेज क्या आएगा आपका जीरो आएगा अभी यहाँ पे यहाँ पे अगर मैंने प्लस चार्ज रखा प्लस चार्ज रखा तो क्या हो जाएगा सपोज प्लस रखा तो ये इसको रिपेयर करेगा ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इसको रिपेयर करेगा बराबर तीनों का एफ सेम है ये एफ ये एफ ये एफ और ये कितना बन जाएगा 60 और ये कितना बन जाएगा ये भी बन जाएगा 60 देखो यहाँ पे मैंने अगर मीडियम निकाला
तो ये बन जाएगा आपका 30, तो ये 60, ये 90। इसके लिए ये डायग्राम भी आपको ध्यान में रखना है, सब ज्योमेट्री है, ज़्यादा कुछ नहीं, अलग कुछ नहीं। अगर आपको चाहिए तो आप अपने डायग्राम का कुछ कर सकता हूँ। ये हो गया, ये मेडियन हो गया और ये मेडियन हो गया। तो यहाँ पे ये 30 आएगा, ये 60 और ये 90, ये भी 60 आएगा, ये 30 आएगा, ये 90 आएगा, वापस बराबर सब जगह वैसे ही। तो यहाँ पे भी ये 60, ये 60। अभी क्या करते हैं, ये इसको करते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, एफ प्लस एफ कॉस 60। कॉस 60 आपको मालूम है कितना आता है, 1/2। तो एफ बाई टू मतलब 3f/2, और ऊपर कितना आएगा, f/2 बराबर, ऊपर f/2 आएगा। तो अभी इस चार्ज के ऊपर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा नामुमकिन है, बराबर। व्हाट शुड बी द मैग्नेट ऑफ चार्ज है, ओ। तो यहाँ पे आपको फंसाने के लिए दिया है, तो इधर क्या लिखेगा, ऑलरेडी सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम सो दैट वी कैन प्लेस। और यहाँ पे कौन सा भी रखा तो भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी मैग्नेट ऑफ चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द सेंटर, ओ सेंटर में और तो सेंटर, बिकॉज एनी चार्ज इफ विल कैर दैन द फोर्स इन द डाउनवर्ड डिरेक्शन इज 3f/2, फोर्स इन द अपवर्ड डिरेक्शन इज f/2, बराबर हो गया। क्योंकि उसमें कितना भी ले लोगे तो तीनों चार्ज सेम है, ओके। तो इसमें क्या आता है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम आता है, सजेस्ट टू नोट दिस डाउन, ये मतलब आपको समझ नहीं आएगा। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम नंबर 3, ओके। अब इसको प्रॉब्लम के टर्म में सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो अभी क्या करते हैं, चार्ज बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो प्रॉब्लम 4, 3, 4, यहां पे रख देते हैं +2 μC, -3 μC और +5 μC, 1 cm, 1 cm, 1 cm। What should be the magnitude and direction What should be the magnitude and polarity of a charge to be kept at O so that the system will be in equilibrium. So suppose पहले मैं क्या करता हूँ, इसका अभी ये डिस्टेंस निकल गया, तो क्या है बेटा, ये डिस्टेंस 2:1 मारता है। तो पहले ये अगर है तो ये आएगा 0.5, मतलब 1/2 आएगा, ये आएगा 1, बराबर। तो ये √3/2 बराबर, और ये सब आपको मालूम है, ये 60, ये 30, ये 90, बराबर। तो ये आपको बेटा ये ज्योमेट्री का आपको मालूम रहना ही चाहिए, अगर नहीं है तो पूरा आप फंस जाओगे उसमें, क्योंकि ये तो अगर मालूम नहीं है आपको ठीक से, आपको निकल के दिखा देता हूँ, ये पार पूरा पार पूरा कर देता हूँ, बराबर। ये आएगा 1/2, ये आएगा 1, और ये आएगा 3/2। अभी मेरा ऑपोजिट का काम है ना यहाँ पे, तो ये रेशियो जो है, ये रेशियो या 2:1, 2:1,
ऊपर रेशियो। तो अगर 2:1 क्या लिखूंगा, 2x प्लस x इज इक्वल टू रूट 3/2, मतलब 3x इज इक्वल टू रूट 3/2। तो x कितना आएगा, रूट 3/2, 2 × 3 6 आएगा, 2 × 3। तो 3 को क्या करते हैं, रूट 3 रूट 3 बराबर। तो x कितना आएगा बराबर ना, x कितना आएगा 1/2 √3। तो 2x कितना आएगा, 2 × 1/2 √3 कितना आएगा 1/√3 बराबर। तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट 1/√3, लेकिन करने का भी ये इसको a मानते हैं बराबर। उसको अगर a मानते हैं, करने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो डिस्टेंस सेम रहने वाला है, ये ध्यान में रखो। अगर वो डिस्टेंस बदलता तो ये करने का जरूरत है, तो ये भी करने का जरूरत है। आपको एज अ प्रैक्टिस मैंने दिखाया कैसे करते हैं, बाकी यहाँ पे इसका यूज नहीं। तो अभी क्या होगा देखो, अगर पॉजिटिव है हाँ, केस वन, ये आपको दिमाग में करना है आपके लिए, मतलब सोचने के लिए, सोचने के लिए मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। तो ये लिखने का नहीं है। तो नंबर वन, इफ पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, देखो पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करेगा एफ फोर से, पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करेगा एफ फोर से, पॉजिटिव को निगेटिव अट्रैक्ट करेगा। अभी क्या है, अभी आपको वो डिस्टेंस भी मालूम होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस सेम नहीं है बराबर। तो यहाँ पे चार्जेस सेम नहीं है, इसको बोलता हूँ 1, इसको बोलता हूँ 2 और इसको बोलता हूँ 3। तो F1 आएगा, F1 ये आएगा, F2 रिपेयर करेगा F2 और F3 एंटर करेगा बराबर। पहले इसका एंगल समझ के लेते, ठीक से देखिए, ये एंगल कितना है, ये 30 है, ये 60 है, और ये एंगल जाएगा 60 बराबर। तो अपन को क्या करना है, एफ ने 0 पर समझ गए, ये केस वन है, बाद में करते हैं। अगर 2 दिया कैसे आएगा, ये निगेटिव है, इसके उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव विल अट्रैक्ट निगेटिव, पॉजिटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव एंड नेगेटिव विल रिपेल नेगेटिव, सेम बाकी कुछ नहीं। तो पोलैरिटी कौन सा भी चल जाए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, ओके। पोलैरिटी ए नहीं, मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट। अभी देखो, ये आएगा 60, ये भी आएगा 60, तो पहले केस में, तो ये किसके लिए आएगा, सेकंड फॉर निगेटिव, फॉर निगेटिव। तो अभी पहले केस में, पहले केस में क्या हो जाएगा, F2 cos 60 ऊपर है, नीचे क्या है, माइनस F1 − F3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन F1 F2 F3 आप भी कर सकते हो, जैसा ये चार्ज है आप उसको ले सकते हैं बराबर। cos 60 कितना है, 1/2, तो F2 / 2 − F1 − F3 इज इक्वल टू 0 बराबर। तो कैसे ले सकते हैं, F2 के Q1 कितना है, 2, हमें प्लस माइनस देने का जरूरत नहीं, हमने डायरेक्शन ऑलरेडी उसका दिया है। दूसरा चार्ज उसको क्यू बोलते हैं, अपॉन ए से, ये सब इसको ए बोलते हैं, लिखने का जरूरत नहीं बराबर। माइनस F1 कितना आएगा, के F1 के 5 × Q अपॉन ए स्क्वायर, माइनस F3 कितना आएगा, के 3 × Q अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बराबर। तो अभी के अपॉन ए स्क्वायर बाहर आएगा बराबर,
तो k अपॉन ए स्क्वायर बाहर निकाला 2q माइनस 5q माइनस 3q अपॉन अपॉन स्क्वायर क्यू निकल इज इक्वल टू 0 बराबर। तो 5 प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 9 सो माइनस 9 सॉरी माइनस 9 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर इक्वल 0 ये इधर जाएगा बराबर। तो हम जाएंगे नए कंसेप्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैंने आपको ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ाया था उसी टाइम मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था। तो इट इज जस्ट बाय द डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसमें बहुत सारे केस आते हैं, ये केस अपन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना पड़ेगा। ग्रेविटी में ज्यादा हमने पढ़ा नहीं था क्योंकि वो ज्यादा ये आएगा तो वो आएगा तो ये आएगा, कौन सा भी एक बड़ा तो चलता है। तो ग्रेविटी में मैंने ज़्यादा नहीं लिया था लेकिन यहाँ पे ले लूँगा क्योंकि ये डायरेक्टली आपको बोर्ड में यूज़ करने के लिए मिलेगा और वो है यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करो एट्रैक्शन का ही फोर्स है वैसे सेम मिलेगा। यहाँ पे ई आएगा वहाँ पे ई जी आएगा, समझ गए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे? फोर्स अपॉन चार्ज, सिंपल। इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा? ऐसा यूनिट आएगा न्यूटन पर कूलम, समझ गए? न्यूटन पर कूलम बराबर। तो एफ कितना आता है आपका? के क्यू वन के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
यहाँ से एक क्यू बराबर, तो यहाँ पे क्या करना है वी आई एम। सपोज ये मेरा सोर्स चार्ज है, क्या है सोर्स चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के लिए मेरे को एक चार्ज लेना पड़ेगा जो होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो नहीं तो कौन सा भी चार्ज लिया मैंने यहाँ पर, अभी कौन सा भी चार्ज लेते क्यू, तो ये चार्ज इसको कितना फोर्स दे रहा है, अगर मैंने प्लस दिया तो ये रिपेल करेगा, अगर ये प्लस है, अगर ये मैंने माइनस किया तो वो अट्रैक्ट करेगा, बराबर तो ठीक है। तो यहाँ पे हम केस देते ओके ओके, इसको बोलेंगे हम टेस्ट चार्ज, टेस्ट के लिए बराबर। तो यहाँ पे कितने केस आ सकते हैं देखो, ये प्लस क्यू बोलते हैं इसको, यहाँ पे रखा मैंने माइनस, ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। अगर मैंने ये प्लस लिखा और ये भी प्लस लिखा तो ये रिपेल करेगा, बराबर। बाद में अगर मैंने ये माइनस लिखा माइनस और ये माइनस, तो ये क्या करेगा रिपेल करेगा, ये माइनस क्यू रखा और ये प्लस लिखा तो ये अट्रैक्ट करेगा। All cases are given. तो in this case, in general case, what will be the force? यही आपको मैं थोड़ा सा बाजू में दिखा देता so that you will be able to understand. ये source charge, इसको बोलेंगे source charge, और इसको मैंने क्या बताया था आपको test charge. Test charge. तो ये कैसे आएगा, ई विल बी एफ, एफ कितना के क्यू क्यू अपॉन इसको आर बोलते हैं आर स्क्वायर इन टू वन बाय क्यू, ये क्यू ने क्यू को काटा तो मेरा ई का वैल्यू ऑलवेज कितना आएगा, ई का वैल्यू आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट टर्म मिलती है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज, नंबर टू द डिस्टेंस बिटवीन टेस्ट एंड सोर्स चार्ज, अंडरस्टूड ओके, वो भी लिख लेते हैं, ये आपको समझ में आया ओके, मच मोर एफर्ट्स फॉर दैट, सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो ये आपको ध्यान में रखने पड़े प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर वन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो फॉलोज इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी विद आर, ओके मतलब क्या ई इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर, समझ गए। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड depends on only on test, sorry, source charge and distance between source charge and test charge,
ओनली ऑन सोर्स चार्ज, पहले होता बाद में डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, समझ गए? सर सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, इसके बाद में इसके फील्ड लाइन्स वगैरह जो कुछ है उसका हम स्टडी करेंगे। सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। तो लिख लिया बेटा? नहीं लिखा तो फिर से रिवाइंड करो, पॉज करो, स्क्रीनशॉट करो, लिख के रहो, कैसे लिखो, नो प्रॉब्लम। हो गया, अभी इसके बाद जाते हैं थोड़ा सा आगे। तो आगे क्या है? तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाया। एक्चुअली फील्ड कैसे होता है वो भी दिखा। सपोज यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज मैंने रखा है, ये प्लेट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा है, और यहाँ पे एक प्लेट है उसमें निगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? पॉजिटिव टू निगेटिव। इसके चलते हमने एक कंसेप्ट डेवलप किया है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके पहले ये दो केस आपको लिख के दिखा दे, ये पॉजिटिव टू निगेटिव, अगर यहाँ पे निगेटिव दिया और यहाँ पे पॉजिटिव दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उल्टा। दोनों केस में पॉजिटिव टू निगेटिव ही आएगा। ओके, अभी हम सीख रहे थे उसके डिपेंडिंग ऑन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब क्या है? जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है तो जिस डिरेक्शन में अपन टेस्ट चार्ज मूव करेंगे, ओके, उस डिरेक्शन के लिए हम उसकी लाइन के लिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो उसका डेफिनेशन कैसे बनता है? इट इज अ पाथ अलॉन्ग व्हिच a free positive charge moves। देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? एक पाथ है, कोई जैसे भी आता है ऐसा ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन है, डिपेंड्स। तो पाथ अलॉन्ग व्हिच फ्री पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव हाँ इंपॉर्टेंट, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसको ऐसा लिख देते हैं वो अच्छा चलता है। पाथ अलॉन्ग व्हिच यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स वेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में कब जाए? तो जो अपना चार्ज है सोर्स चार्ज उसके ऊपर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब क्या है? पाथ अलॉन्ग व्हिच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज मैंने यहाँ पे चार्ज दिया पॉजिटिव, तो ये बन गया मेरा सोर्स चार्ज, और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लेंगे, इसको बोलेंगे हम टेस्ट चार्ज, क्योंकि उसको टेस्ट के लिए यूज करेंगे। जैसे हमने हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए हम टेस्ट बल्ब यूज करते हैं, लाइट लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, टेस्टिंग के पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो इसी को भी हम टेस्टिंग के पर्पज के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। तो अपना टेस्ट चार्ज क्या करेगा, कैसे बिहेव करेगा? तो सपोज मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा,
तो हमें पता ही होगा पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, बराबर। तो ये चार्ज सोर्स चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा टेस्ट चार्ज, बराबर। ऑन द अदर हैंड अगर मैंने दूसरा लिया, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, तो सोर्स चार्ज रखा है, और अगर मैंने यहाँ पे निगेटिव चार्ज रखा टेस्ट चार्ज, अगर निगेटिव टेस्ट चार्ज रखा बेटा तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, निगेटिव टेस्ट चार्ज अगर मैंने रखा तो ये बेटा क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यही है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो लाइन है जो हमने ड्रॉ किया है उसी लाइन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसी इसको भी हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बराबर। समझ गए, आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। इसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम सीखेंगे निकालेंगे। ओके, नोट डाउन दिस। हो गया बेटा, तो अभी फील्ड लाइन्स फॉर पॉजिटिव चार्ज स्केचिंग फील्ड लाइन्स, तो पहले हमने पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस चार्ज के लिए कैसे दिखाया मैंने, प्लस चार्ज के लिए दिखाते हैं, प्लस चार्ज के लिए किसी भी डायरेक्शन में फील्ड लाइन कैसे जाएंगे, रेडियली आउटवर्ड, कैसे जाएंगे रेडियली आउटवर्ड। किसी भी डायरेक्शन में अगर आपने टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव लेने का, बराबर ना, मैंने आपको बोला था टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेने का, बराबर। तो किसी भी डायरेक्शन में अगर हमने टेस्ट चार्ज रखा तो वो क्या बन जाएगा, वो उसको अपना सोर्स चार्ज एड करेगा, इसको रेडियली आउटवर्ड। अगर मैंने निगेटिव चार्ज किया माइनस चार्ज, सेकंड निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज के लिए बेटा निगेटिव चार्ज के लिए बन जाएगा ये निगेटिव, तो क्या एक्ट करेगा, क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज लिया पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उसको वो हर टाइम अट्रैक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा रेडियली इनवर्ड। ये क्या बन जाएगा आपका रेडियल इनवर्ट। समझ गए, अभी अगर मैंने दो प्लस चार्ज लिया टू प्लस चार्ज और टू माइनस चार्ज, तो भी प्लस चार्ज रखा तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, इस डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है या ऊपर रखे, लेकिन इस डायरेक्शन में अभी कैसा हो जाएगा, दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आई विल सजेस्ट यू आपका जो एनसीईआरटी है उसमें से आप थोड़ा थोड़ा आपका पढ़ाई रीडिंग करना चालू करो, एनसीईआरटी में भी ये दिया है, यहाँ थोड़ा सा कर होगा जहाँ उसको ये भी ऐसा थोड़ा सा कर होगा और बाद में फैल जाएगा। समझ गए, तो ये बन गया फील्ड लाइन ड्यू टू टू पॉजिटिव और टू निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज भी रखा तो उसका भी वैसे आएगा। तो आपका होमवर्क क्या है, रीड एनसीईआरटी चैप्टर 1 फर्स्ट 5 पेजेस,
एनसीईआरटी का चैप्टर वन का फर्स्ट फाइव चीज ये आपका आज का होमवर्क रहे। एनसीईआरटी का पहला पाँच जो पेज है वो आपको ठीक से रीड करना पड़ेगा, समझ गए। तो इसके बाद और एक आता है वो हम कल देखेंगे, क्योंकि आपको भी पूरा ये सब निकालने में होमवर्क करने में टाइम जा सकता है, आई नो दैट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वॉट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन विद यू। सो आई सजेस्ट यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, वॉच द लेक्चर ट्वाइस थ्राइस, इन बिटवीन पॉज द लेक्चर, थिंक ओवर इट, सर ने क्या बोला है, क्या करके दिखाया है, ट्राई टू मेक द नोट्स वॉट एवर आई हैव शोन ऑन द बोर्ड। उसके बाद में आपका होमवर्क वो कंप्लीट करो, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज अगर कुछ है वो सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। अगेन टुमारो वी विल मीट विथ द न्यू कंसेप्ट, नेक्स्ट कंटिन्यूएशन ऑफ दिस टॉपिक। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून विथ फिजिक्स। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।